हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे पॉलीगन मैटिक की। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि कितनी इसकी 2022 में इसका प्राइस जा सकता है, इसकी क्या फीचर्स हैं, क्या इसकी संभावनाएं हैं और हमें ये कितना प्रॉफिट दे सकता है, हम इस पर कितना परसेंट ट्रस्ट कर सकते हैं, कितनी इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है और किस किस नेटवर्क के लिए क्या क्या गाड़ी है या बेनिफिट्स देता है, आज की वीडियो में बात करें। यदि हम इसके करंट प्राइस की बात करें तो इसका अभी करंट प्राइस 1.46 डॉलर चल रहा है। यदि हम इसके टैग की बात करें तो इसका अपना ही एक इकोसिस्टम है और दूसरा ये स्केलिंग के लिए कार्य करता है। इसका अपना एक स्केलिंग के सिस्टम पे कार्य करती है। यदि हम कॉन्टैक्ट एड्रेस की बात करें तो कॉन्टैक्ट एड्रेस जो है ये अपना खुद का पॉलीगन बाइनेंस स्मार्ट चेन इथेरियम आदि की ब्लॉकचेन पे कार्य करता है। यदि हम इसकी ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 2.92 USDT रहा था दिसंबर 2021 के अंदर। यदि हम इसकी रैंक की बात करें तो इसकी रैंक बहुत अच्छी है, वो है 16। तो रैंक इसकी काफ़ी अच्छी है, यानी कि इसके पास जो मार्केट में इसने काफ़ी अच्छा डोमिनेंस इसने अपना बना रखा है। यदि हम इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो 7.69 बिलियन है। इसके टोकन जो है वो सर्कुलेटिंग में है और यदि हम इसकी टोटल सप्लाई की बात करें तो वो 10 बिलियन है। तो 10 बिलियन इसकी जो टोटल सप्लाई है वो है और 7.69 लगभग यानी कि 7.8 के आसपास इसकी जो सप्लाई है वो मार्केट में आ चुकी है। जो शेष सप्लाई है वो दिसंबर 2022 तक जो है जितनी भी रिमेनिंग सप्लाई है वो मार्केट में सर्कुलेट कर दी जाएगी। तो इससे जो है इसके जो रेट है, इसका जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, क्योंकि जैसे जैसे जो सप्लाई है वो इसमें आएगी तो उससे क्या होता है कि रेट जो है फ्लक्चुएट करता है, यानी कि रेट जो है बहुत ज़्यादा पंप भी हो सकता है और रेट के बहुत डाउन भी जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्योंकि जब सप्लाई डाली जाएगी तो जाहिर सी बात है यदि उस सप्लाई को उसने बेच दिया जो ओनर्स की टीम है या जो इसमें सप्लाई जिसके पास भी जो सप्लाई अवेलेबल है तो उससे क्या होगा इसकी प्राइस जो है वो डाउन जा सकता है। लेकिन अब यदि हम इसकी बात करें कि ये पॉलीगन मैटिक है क्या, यदि हम पॉलीगन मैटिक की बात करें कि व्हाट इज पॉलीगन मैटिक, तो पॉलीगन मैटिक की यदि बात करें तो पॉलीगन मैटिक जो है वो एक स्केलिंग टू लेयर सॉल्यूशंस है। ये क्या कर रहा है, इसमें एक स्केलिंग सिस्टम है जिससे ये जितने भी हमारी मल्टी ब्लॉक चेन्स हैं जितनी भी हमारी मल्टी ब्लॉक चेन है ये उनके लिए स्केलिंग का कार्य करता है जिससे जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वे आसानी से सोल्व की जा सके। जब इनिशियल में ये आया था पॉलीगन मैटिक तो ये इथेरियम के लिए एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इसने डेवलप किया और उसकी जो स्केलेबिलिटी की जो समस्याएं थी उनके लिए इसको डेवलप किया गया था। लेकिन बाद में इसको मल्टी ब्लॉक चेन्स के स्केलिंग के लिए और उसके सोल्यूशन के लिए इसको
डेवलप कर दिया गया। यदि हम इसकी बात करें कि इसमें क्या है, इसमें एक पॉलीगन एचडी के सिस्टम है जिससे ये जो है बहुत सिक्योर और इसकी जो स्केलिंग स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है। तो इसने अपना एक अपना ही पॉलीगन जो इसने इकोसिस्टम डेवलप किया है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जैसे हम एनएफटी कोई सेल करते हैं या बनाते हैं या, तो उसमें क्या हो रहा है कि जैसे वहाँ पे क्या है कि इथेरियम की नेटवर्क से हम लेते हैं तो हमें लगभग जो है 80 USDT या जो भी उसके हिसाब से जितना उसका प्राइस रहता है वो मिनिमम है, उसके हिसाब से जो उसमें हमें इथेरियम जो है उसमें गैस फीस के रूप में देना पड़ता है। अब उसी तरह से क्या हो रहा है कि जो पॉलीगन है, जहाँ भी हम पॉलीगन नेटवर्क का यूज कर रहे हैं वहाँ पे हमें पॉलीगन के लिए जो गैस फीस देनी पड़ रही है उसके लिए ये क्या कर रहा है कि जो मैट्रिक टोकन है ये उन्हीं टोकन्स का यूज कर रहा है। वो कह रहा है कि हमें जो है आप डॉलर की बजाय हमें मैट्रिक टोकन ही फीस के रूप में दे दीजिए। जैसे इथेरियम पे क्या है कि वहाँ पे आपको जो है वो डॉलर में भी यूज कर सकते हैं, आप इथेरियम में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है ये कह रहा है कि हमें जो है आप मैट्रिक टोकन ही दे दीजिए, हम उसी को फीस के रूप में जो है वो ले सकते हैं। यानी कि इसने जो इकोसिस्टम डेवलप किया है एक पेमेंट सॉल्यूशंस के रूप में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट। यदि हम इसके ट्रस्ट की बात करें, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है कि कितने परसेंट आप किसी को इन पे ट्रस्ट करेंगे, ये मैंने एक अपना ही सोच डेवलप की है कि हम किसी को इन पे कितना परसेंट ट्रस्ट करेंगे, ये मेरा अपना खुद का ट्रस्ट रहेगा। उस पे विश्वास करना नहीं करना वो आपका अपना हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी की व्यक्तिगत सोच अलग रहती है। यदि हम मैट्रिक की बात करें तो मैं इस पर 65% इस पर ट्रस्ट करता हूँ कि ये जो है हमें 65% जो है हमें अच्छा प्रॉफिट इन 2022 में देगा। यदि हम इसकी प्राइस प्रेडिक्शन की बात करें, इसका प्राइस कितना रहेगा, तो अभी इसका रेट चल रहा है 1.46, ऑल टाइम हाई है 2.92, लेकिन 2022 में इसके जो है $5 तो आराम से, 5 से लेके $8 के बीच में इसकी यानी कि पूरी पूरी संभावना है $5 ये जो है आराम से पार कर जाएगा 2022 में, यदि मार्केट जो है सही हालात में रही, कोई जो इंटरनेशनल पे कोई ऐसी ट्रेजी ना हुई, जैसे अभी रूस यूक्रेन विवाद के कारण जो है काफ़ी जो है मार्केट पे भी उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो उसी वजह से यदि सब कुछ सही रहा तो पॉलीगन मैट्रिक तो 2022 में $5 तो आराम से पार कर जाएगा और $5 से $8 के बीच भी जा सकता है। और ये जो इसका ऑल टाइम हाई है इसको तो आसानी से तोड़ ही देगा। तो पॉलीगन मैट्रिक जो है एक अपनी इसने जो अपना इकोसिस्टम डेवलप किया उसकी वजह से इसके जो है प्राइस की काफ़ी बढ़ने की संभावना है। हालांकि कुछ जो टोकन्स हैं वो मार्केट में सर्कुलेट कर दिए जाएंगे 2022 के दिसंबर तक, तो उससे हो सकता है इसके जो प्राइस है थोड़ा फ्लैक्चुएट करे, उससे हमें सावधान रहना है, क्योंकि जब मार्केट में जो टोकन है वो सर्कुलेट किए जाएंगे तो प्राइस जो है उससे फ्लैक्चुएट हो जा नीचे भी जा सकता है, ऐसी कोई गारंटी नहीं कि अभी होगा, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। बाकी मार्केट में जो है वो हर कुछ संभव है। तो इस तरह से यदि हम बात करें कि इसको हम खरीद कहाँ से सकते हैं, कहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं, तो बाय की यदि हम बात करें तो इसको आप बाइनेंस से खरीद सकते हैं, वजीरेक्स से खरीद सकते हैं, और इसको जो है कुकोन से खरीद सकते हैं, इसको जो है बड़े बड़े मतलब जितने भी एक्सचेंज हैं ये इस पॉलीगन मैटिक को हम वहाँ से बाय कर सकते हैं।
दोस्तों आज की वीडियो में हमने पॉलीगन मैट्रिक के प्राइस की जो प्रेडिक्शन की है उसके हिसाब से हम जो है यदि अपना पोर्टफोलियो में इसको एक्युमुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। वो अपने अपने हिसाब से हर ट्रेडर हर इन्वेस्टर का अपना अपना प्लान रहता है, तो उस हिसाब से ट्रेडिंग करें। और मार्केट में तो उसको एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आपको 25% प्रॉफिट हो जाए तो वहाँ से आपकी आंखें खुल जानी चाहिए कि धीरे धीरे मुझे जो है अपना प्रॉफिट जो मैंने लिया है उसको निकालना है, और सबसे पहले अपने कैपिटल बाहर करनी है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। नहीं तो अगर आप अपनी कैपिटल बाहर नहीं करोगे और इनकेस मार्केट एकदम बेरिश मोमेंट में चली जाती है तो आपका पैसा फंस सकता है। इसलिए याद रखें कि लालच करें लेकिन उतना करें जिससे आपका कैपिटल या अमाउंट है वो बाहर आ जाए, और उसके बाद जो आपका प्रॉफिट है यदि उसमें पड़ा भी रहे तो उसकी कोई चिंता नहीं है क्योंकि उससे आपको दुख नहीं होगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। मेरा भी यही प्रयास है कि आपका लॉस बहुत ही कम हो और आप प्रॉफिट गेन करें। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसे समय कमेंट करें, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।